सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बन गया नींबू और अदरक का अचार, जैसा आपने बताया था वैसा ही। आज लेके आएंगे प्रैक्टिस पे, आगे बताइएगा कैसा बना। जी शुक्रिया, पर आज हम नहीं आ रहे हैं। क्यों? वो असल में घर में आज कोई नहीं है, नसीमा भाभी अपनी अम्मी के यहाँ गई हैं, तो। ओहो, अच्छा अच्छा। आज नचो की प्रैक्टिस रह जाएगी, पर हम समझा देंगे उसे। नहीं नहीं, अगर आप कहें तो हम ले जाएंगे नज्जो को। जी हाँ जी, इसमें क्या है, आप नज्जो को गली में बाहर भेज दीजिएगा, हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम उसे ग्यारह तक छोड़ देंगे। जी सोचिए मत, नज्जो हमारी भी बच्ची है। जी जी हाँ हाँ, ठीक है, आप जाइएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम नज्जो को बाहर भेज देंगे। जी बेहतर है, और अचार हम आपको कल चखा देंगे। जी खाला, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? रिक्शे में बैठे हैं भाई, और क्या। लेकिन क्यों? वो सबा थोड़ा सब्र रखो, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या खाला? किसका? तुम गेस करो, अगर तुमने गेस किया तो मैं फालूदा खिलाएंगे। शबीर खालू का इंतजार कर रही है? उस कमीने का नाम मत लेना तुम हमारे सामने, कब का भुला चुके हम उसे। अच्छा, चार दिन पहले तक तो उन्हीं का राग अलाप रही थी ना। अल्लाह, यही तो भूल हो गई हमसे। देखना, उस कमीने का हमारे जबान पे नाम भी आया तो कहना, जिंदगी भर रोएगा शादी को। हमने ऐसे पेट भर के बद्दुआएं दी ना उसे, और अम्मी ने तो ना मौलाना को पैसे भी दिए उसपे कुछ करने के लिए। जिंदगी भर उसकी अम्मी लड़की ढूंढती रहेगी, उसकी ना शादी हो भी ना खुश नहीं रह पाएगा कमीना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे शबीर खालू की बात। तुम खालू खालू क्या लगाई रखती हो उसको, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, हम उन्हें शबीर खालू नहीं बुलाएंगे। ये बताइए, हम यहाँ पे इंतजार किसका कर रहे हैं, वो भी ऐसे रिक्शा पे बैठ के। चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भाई, चार लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि दो लड़कियां रिक्शे पर बैठी हैं। हम तुम्हें बताएं, हम ना तुम्हारे होने वाले नए खालू का इंतजार कर रहे हैं। क्या, नए खालू? मतलब अब कौन? वही जिन्हें देख कर बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, जो हमारे सपनों में आ रहे हैं। हाय सबा, अल्लाह कसम, दो दिन से हमारे सपनों में आ रहे हैं वो। कौन? इमरान साहब, उनका स्कूल इसी रास्ते पर तो पड़ता है। क्या, नए पड़ोसी? आपका दिमाग तो ठीक है, पता है ना कि अबू। देखो, इस बार हम इमरान साहब को लेकर बहुत सीरियस हैं, समझे तुम? हमें नौशे भाई की फिक्र नहीं है। कर क्या लिया उन्होंने उस कमीने शब्बीर का? हमने तो सोच लिया कि इस बार अपनी शादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और अल्लाह मियां ने ना हमें रास्ता भी दिखा दिया। इमरान साहब हमारे लिए बने, इसीलिए ना हमारा कमीने शब्बीर से रिश्ता टूट गया। फालतू की बेवकूफी में मत पड़िए। या अल्लाह, इसलिए आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपका रिश्ता ना आप ही की वजह से टूटा है खाला। हमारी वजह से नहीं है, तुम्हारे अप्पू की वजह से। वो बेकार सा सर्टिफिकेट बनवाया जो पकड़ा गया। जी क्या है मामू? अरे तो हम घर ही आ रहे हैं, दो मिनट का सबर नहीं है आपको? बाइक चलाएं कि आपसे बातें करें, आ रहे हैं घर। आपने हमारे अब्बू पे इल्जाम मत लगाइए, शब्बीर खालू को अपनी उम्र किसने बताई थी? आप ही ने बताई थी ना। हाँ तो हो गई हमसे गलती, हमें क्या पता था कि वो शब्बीर ऐसा निकलेगा, कि वो इस तरह से अम्मी का गुलाम हमारे साथ ऐसा करेगा। हम तो मोहब्बत में आके हमने उन्हें बता दिया था। और सुनो, हम ना अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, और तुम चुप करके बैठो, समझे? और हमें इमरान साहब की राह देखने दो। जिसकी राह आप देख रही है ना, वो तो चले गए, वो देखिए। बाइक का पीछा करना, जल्दी जल्दी। क्या मैडम, साइकिल रिक्शा से बाइक का पीछा कैसे? अल्लाह, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अच्छा? देखो तुम्हारी वजह से वो गुजर गए यहाँ से, हमें देख भी नहीं पाए। अच्छा, आप हम पे इल्जाम डाल रही हो? वाह वाह खाला वाह। मां कहां रह गई है इमरान मियां, अभी तक नहीं आए। क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम है आप, हैं? हमारे भांजे अभी तक आए नहीं, और आपने भी नहीं पूछा। नए पड़ोसी की मामू जान, आपके भांजे अभी तक आए नहीं है, सब ठीक तो है? इतना छोटा सा हूँ, मतलब आज करंट भी नहीं है। हमारा मूड बहुत खराब है, आपको पता है हमारे घर में सब लोग कितनी टेंशन में हैं। ओ लो, आ गए इमरान मियां। सॉरी, बहुत देर हो गई आज। आपकी अम्मी नहीं दिखाई दे रही? अरे वो इनकी बड़ी अम्मी अपनी अम्मी के घर गई है, इसलिए मरियम साहिबा को घर पे रुकना पड़ा। तुम्हें तो पता ना उनके घर क्या हुआ है। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
जी। क्या बात है मामू, आज तवा ठंडा? हाँ मियाँ, बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है। हम सब करें। करिए। नजमा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हैं आप? कहाँ है फोकस आपका? ये क्या शॉट्स है? तबीयत ठीक है ना आपकी? ये हमारी तबीयत ठीक है लेकिन क्या? हमारा मूड ठीक नहीं। क्यों? हमारी खाला की वजह से। खाला? कौन खाला? नहीं माँ, खाला और कौन पता, उनकी शादी टूट गई। लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। आपको पता नहीं माँ खाला कितना रो रही थी। लेकिन अजमा, ये मूड खराब होने वाली बात तो है, लेकिन आप इतना सोचिए मत। हमें यकीन है कि अल्लाह मियां ने आपकी नईमा खाला के लिए उससे भी अच्छा लड़का देखा होगा। सर? हाँ बेटा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। Now let's practice. Yes. अब आइए जाने दो। बेटा इसको ऐसे ये मारो ना। आपको करनी है कोचिंग? चलिए। वैसे नहीं पड़ोसी, आप भी अभी सिंगल है, आप भी नहीं मखाले से शादी कर लीजिए ना। वैसे नहीं पड़ोसी, आप भी अभी सिंगल है, आप भी नहीं मखाले से शादी कर लीजिए ना। मामू एक मिनट चुप रहिए। अरे इसमें से रावण की जैसे हंसने वाली क्या बात है? इतनी बेतुकी बात आप आइंदा नहीं करेंगी। आप यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस क्या करिए? अरे मगर हम तो बस। चुप रहिए। नहीं पड़ोसी आप ठीक है? बैठिए आप। सब ठीक है? आप बैठिए। आपको शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं। आप चुप रहिए। अब पानी लाइए। हाँ, अरे पानी। हम पानी लेके आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं हम ज्यादा गुस्सा हो गए, वरना सुनते ही नहीं। आप कुछ मत बोलिए अभी, वरना आप और खा देंगे। नहीं पड़ोसी के मामू जान जल्दी आइए। इमरान पानी पानी बेटा पानी पानी बस बस बस। अब ठीक है आप? हम ठीक है बिल्कुल। क्या हुआ, आप लोग खेल क्यों नहीं रहे? बोर हो रहे हैं। नज्जो कब आएगी वापस? आती होगी। आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं उसे। बहुत। जब से नजमा आपी ने टेनिस प्रैक्टिस शुरू किया, वो तो हमारे साथ मिलकर खेलती भी नहीं और वापस आके अपने होमवर्क करने लगती है। हमारे साथ तो बैठती भी नहीं है। हम खेले आप लोगों के साथ? सच? हाँ, हम लेंगे ब्लू। हम येलो। हमारा ग्रीन। वकार, फिजा, चलिए दूध पी लीजिए, वरना आपकी अम्मी को पता चलेगा ना तो हमें डांट पड़ जाएगी। खाला जरा देखिए तो। हेलो, यूनुस भाई घर पर हैं? नहीं वो तो नहीं है। आप कौन? श्रीवास्तव। कौन श्रीवास्तव? हम आपके घर आ चुके हैं, वो मरियम जी से मिलने। अच्छा अच्छा, वो वाले श्रीवास्तव जी, क्या काम था? मरियम जी से कुछ बात करनी है जरा। एक मिनट, आपसे बात करना चाह रहे हैं श्रीवास्तव जी। खाला उन्हें उन्हें कह दीजिए कि हम भी घर से बाहर हैं और जो भी बात करनी है यूनुस भाई से करें। जी वो घर पर नहीं है, जो भी बात करनी है यूनुस मियां से बात करिएगा। खुदा हाफिज। अरे अजीब बात है। खाला अगर दोबारा इनका फोन आएगा ना तो आप टाल दीजिएगा। जी
छोटी अम्मी आपने उनसे बात क्यों नहीं की? वो तो आपसे बात करना चाहते थे। बेटा ये कारोबारी बातें हैं, आप लोग नहीं समझेंगे। खेले पीजिए पीजिए, कोल्ड कॉफी। भाई यूनुस भाई के साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा, बड़े शरीफ आदमी। जी वो तो है, खानदानी लोग हैं ना। हम घर भी गए थे उनके सैंपल देखने, और मरियम साहिबा से भी मिले। बड़ी अच्छी खातून है वो। अजहर भाई ये दिल से कह रहा हूँ, हमें बड़ा अजीब लगा उस घर में, कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, और मरियम साहिबा भी चुप चुप सी थी, थोड़ा डरी हुई लग रही थी। हमने तो सैंपल देखने के लिए उनसे बात भी करना चाहिए, लेकिन यूनुस भाई ने बात ही नहीं करने दी। जी वो तो है, यूनुस भाई घर की औरतों को कारोबार में शामिल करने के खिलाफ है। कॉफी कैसी लगी? बहुत अच्छी। यूनुस साहब मरियम साहिबा को कुछ दबा के रखते हैं। श्रीवास्तव जी, कहना तो नहीं चाहिए, पर मरियम भाभी भी क्या करे, बेचारी बेवा है ना, एक बच्ची है, यूनुस भाई के सहारे ही उनका सारा गुजर बसर चलता है, इसलिए मजबूरन सब कुछ सहना पड़ता होगा। सही कहा आपने, बेवा को और रास्ता भी क्या है, यूनुस भाई की तो सुननी पड़ती होगी ना उन्हें। बात तो तब है जब उन्हें रास्ता खुद ब खुद मिल जाए, है कि नहीं? जी बेटा, मामू आ गए। हम ना कहते थे एक दिन सब कुछ लूट लाएंगे। ये है क्या? यहाँ एक महीने का राशन है, और चिकन भी लेके आए हैं। अब बना के खिलाना अपने हाथ का ग्रीन चिकन। तो हमें तनख्वाह तो मिली नहीं है, अब ये सब लाए कहाँ से? या दिन तिरक दिन दिन तिरक दिन दिन तिरक दिन दिन। मोहल्ले में ढोल ऐसे नहीं पीटा था हमने। आज देखो सारे मोहल्ले के दुकानदार उधार देने के लिए दावत दे रहे हैं हमें। तुम्हारी नौकरी का वापस आई है मियाँ, हमारा तो खाता चालू हो गया। मामू इसका ये मतलब नहीं कि आप उधार ले लें। अब यार उधार की बात छोड़ो, तुम्हें रबड़ी और जलेबी खिलाते हैं, वो भी लेके आए हम। ये खाओ, टीटू की दुकान से लेके आए। अरे इतनी जलेबी? अरे मियाँ सब खिलाएंगे तुम्हें। देखो 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 कहाँ भागी जा रही है ये। पहले आप खाइए। क्या बात, ये रबड़ी। वैसे एक बात बताएं, नज्जो का आइडिया बुरा नहीं था। कैसा आइडिया? वही नईमा वाला। वैसे तो हम भी तुम्हारी दूसरी शादी की बात सोच ही रहे थे। मामू वो तो बच्ची है, उसे अकल नहीं है कि वो क्या कह रही। आपको क्या है? अम्मा हाँ वो नादान है, बच्ची है, लेकिन नईमा में क्या बुराई है, अच्छी खासी खूबसूरत है, ऊपर से तुम पे डोलती भी है, और फिर एक बार नईमा से शादी हो गई तो यूनुस मियां के साडू हो जाओगे। नमो मजाक को मजाक की हद तक रहने दिया करिए। यूनुस मियां के साडू। कोई फर्क नहीं है आप में उस बच्ची में। मम्मी और अचानक इतना खांसने लग गए कि हम ही डर गए। अच्छा, पर अचानक इतनी खांसी? मम्मी अगर बात बात पे इतना गुस्सा करेंगे तो यही होगा ना, हमने तो बस सजेस्ट ही किया था। क्या सजेस्ट किया था? यही कि आप ही नईमा खाला से शादी कर लीजिए। क्या? जी अम्मी, और वो इसी बात पे भड़क गए और ऐसा भड़के कि खांसने लग गए। बेटा ये क्या कहती फिरती हैं आप, क्या जरूरत थी उनसे ये बात करने की? मम्मी क्या गलत कह दिया हमने? बस कीजिए अपना जो, हम देख रहे हैं आजकल आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हैं। आप अपनी जुबान पर काबू रखना सीखिए। आपके कोच हैं इमरान साहब, कोच करते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी जाती जिंदगी में दखल दें। जी मम्मी। और दोबारा ऐसा मत करिएगा, इससे ना सिर्फ इमरान साहब की बल्कि नईमा खाला की भी इज्जत उछल सकती है। अब जाइए, फिजा और वकार के साथ खेलिए, आपको मिस करते हैं आजकल। लेकिन अम्मी आपने तो कहा था हमें दादा जान की दवा लेने जाना है। वो हम बाद में ले आएंगे, अभी आप जाइए। जी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप नजमा के साथ नहीं आई आज? जी वो मामू ने जिक्र किया था आपसे।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नौशमी, हम आपके अब्बा जान से बहुत नाराज हैं। ये क्या गलत कह दिया था जो वो हम पे इतना बड़ा कुटे? अम्मी अब्बा जरा, मरियम की वजह से मना किया था तौसीफ मियाँ ने नईमा को शादी के लिए। अम्मी अब आप वो सब छोड़िए, अभी की सोचिए नईमा की शादी अब कैसे होगी। नौशे मियाँ करेंगे कुछ। हम भाई नौशे मियाँ कुछ भी कीजिए, शब्बीर की अम्मी को मनवा लीजिए, कुछ और गहने जेवर चाहिए होगा ना वो भी हम दे देंगे, कोई और रिश्तेदारों से जोर लगवाइए शब्बीर मियाँ की अम्मी पर। हमने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की है लेकिन शब्बीर मियाँ की अम्मी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने तो शब्बीर की कहीं शादी की बात करनी शुरू भी कर दी है। अल्लाह, क्या शब्बीर मियाँ ने कुछ नहीं कहा? उससे शादी नहीं करनी नईमा से, ये कहा उसने। या अल्लाह, ये सुनने से पहले हमें उठा लिया होता। अभी मौका है, अभी उठा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम नईमा? जी वो बाजी, हम जरा घूमने गए थे। यहाँ अम्मी मरने को तैयार है, वहाँ आंसू बहा रही है और वहाँ तुम घूम रही थी। क्या कहेंगे लोग, कुछ दिन तुम घर पे नहीं टिक सकती क्या? हम सब यहाँ इतने परेशान बैठे हैं, शब्बीर मियाँ से इनका रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये घूम रही, सैर सपाटा कर रही। नौशे भाई, हमने सोच लिया, हम उस कमीने शब्बीर से शादी नहीं करेंगे। क्या? कौन करेगा तुमसे शादी? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला कर लिया कि हम किससे शादी करेंगे। क्या, कि क्या बक रही हैं आप, किससे शादी करेंगी? जी वो खाना कमरे में चलते हैं, नानी भी परेशान है, हम कमरे में जाते हैं। हाँ कमरे में ले जाइए इनको और इनके सर पे बर्फ डालिए, बर्फ, दिमाग घूम रहा है इनका, जाइए। जी। या अल्लाह, रिश्ता टूटने का सदमा बैठ गया हमारी बहन पर। अम्मी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। रानी बेटिया कहीं पागल ना हो जाए बेटा। माँ तो पैदाइशी पागल है। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। संभालिए अपने आप को। अम्मी देखिए आप परेशान मत होइए, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा इंशाल्लाह, रोइए मत। तभी हम आपको ऐसे बकवास चीजें नहीं दिलाते हैं। एक और बार। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज। मरियम जी। जी आप? हाँ पहचाना नहीं, श्रीवास्तव घर पे मिला था आपसे। जी जी नमस्ते। हम आपसे मिलना चाहते थे। हमसे? सुबह से कोशिश कर रहे हैं हम, लगता है आप घर पर नहीं थी। जी आपको कारोबार के बारे में जो भी बात करनी है बराए मेहरबानी आप यूनुस भाई से कीजिए। यूनुस भाई से भी बात कर लेंगे लेकिन अभी हमें आपसे बात करनी है। नहीं अंकल, अम्मी ने कहा ना जो भी कारोबारी बात करनी है बड़े अब्बू से कीजिए। नमस्ते। अब मरियम जी सुनिए तो, आपके ही फायदे की बात है। कारोबार के बारे में जो भी बात करनी है बराए मेहरबानी आप यूनुस भाई से कीजिए। यूनुस भाई से भी बात कर लेंगे हम लेकिन अभी हमें आपसे बात करनी है। नहीं अंकल, अम्मी ने कहा ना जो भी कारोबारी बात करनी है बड़े अब्बू से कीजिए। नमस्ते। अब मरियम जी सुनिए तो, आपके ही फायदे की बात है। अम्मी की फायदे की बात क्या? जी हमें नहीं सुनना। आपको मालूम नहीं है ऊपर वाले ने कितने जबरदस्त टैलेंट से नवाजा है आपको, आपके डिजाइन्स में कुछ खास बात है। ये श्रीवास्तव मरियम से क्या बात कर रहा है? जी आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। जी हाँ, आप हमारे लिए डिजाइन बनाए और हम उसे बेचेंगे दुबई में और इस काम के लिए हम आपको हर महीने 50,000 रुपए देंगे। मरियम जी सोच क्या रही हैं? ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। ये कमीना बहका रहा मरियम को, अभी ठीक करते हैं इसको। अरे सुनिए ना आप, रुकिए यहाँ पर, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मरियम क्या कहती है। हम आपका ये ऑफर अभी के अभी ठुकराते हैं।
खुशी? जी हाँ, हमें आपके कारोबार में या यूनुस भाई के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं यूनुस भाई के लिए, हमारे घर के लिए कर रहे हैं। मरियम जी, आप जज्बाती हो रही हैं। यूनुस भाई कुछ नहीं देने वाले आपको। एक अरे आप बैठिए ना, रुकिए। और ये आपकी बच्ची है ना, इसके फ्यूचर के बारे में सोचिए। 50,000 रकम कोई मामूली रकम नहीं है। खैर ठीक है, हम इस काम के 60,000 रुपए देंगे आप। अब बताइए क्या फैसला है।